अब से हम लोग ऐसा करेंगे कि हम खुद से कुछ कुछ क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, नया क्वेश्चन। और नया क्वेश्चन मतलब कहीं कोई बुक में नहीं दिखेगा, और उसमें कॉन्सेप्ट फिजिक्स मैथ हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों हो सकते हैं, ऐसा देंगे मतलब दिमाग खोलने के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम लिखिए। कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क, मॉडुलस जेड लेस दैन इक्वल टू 4 इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। 3 डिस्क्स, मॉडुलस जेड लेस दैन 1 comma modulus z plus 2 minus 2 iota less than 1 and modulus z minus 2 minus 2 iota is less than 1. Arc cut from given disk, arc cut from given disk. Find the center of mass of residual disk. Find the center of mass of residual disk. आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, दिस इज गिवन डिस्क और इसमें से 3 डिस्क काटा गया है, तो सबसे पहले डायग्राम तो बनाना पड़ेगा कैसा है। ठीक है, तो मॉडुलस जेड इज लेस देन इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल एंड इट्स इनसाइड, मतलब डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मॉडुलस जेड इक्वल टू 4 और इसका अंदर वाला जो पोर्शन है वो है लेस देन इक्वल टू 4। तो हम किनारे वाला का इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, मॉडुलस जेड इक्वल टू 4। इसके बाद इसमें से 3 डिस्क काटा गया है। फर्स्ट डिस्क का इक्वेशन क्या है, मॉडुलस जेड लेस देन 1, मतलब उसका रेडियस कितना है 1, और सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन, मतलब सर्कल के इनसाइड वाला कट कर दिया गया और कट करके क्या कर दिए, निकाल दिए। तो सेंटर उसका ओरिजिन है लेकिन रेडियस कितना है 1 है, तो यहाँ से मतलब एक कट किया गया। ठीक है, और ये छोटा वाला का रेडियस कितना है 1 है। ठीक है, फर्स्ट सर्कल तो बना लिए, मतलब पहला वाला पार्ट कट करके निकाल दिए। दूसरा जो पार्ट है उसका सेंटर क्या होगा, मास 2.2। कल हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस जेड माइनस जेड 1 होना चाहिए, माइनस जेड 1 होना चाहिए। तो जेड के अंदर जो है इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 प्लस 2 आएगा, तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस 2.2। तो एक्स माइनस 2 और वाई प्लस 2, तो एक्स माइनस 2 वाई प्लस 2, मतलब कि सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा माइनस 2.2 और रेडियस कितना है 1। तो दूसरा डिस्क यहाँ से कट हुआ। इसके बाद तीसरा जो डिस्क है उसका सेंटर कहाँ पे है, 2.2। तो 2.2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसका रेडियस कितना है 1 ही। तो जो बिगर सर्कल है सेंटर्स ओरिजिन, यहाँ पे जो छोटा वाला सर्कल कट करके निकाले हैं उसका भी सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, और ये दोनों का पता है इसके कहाँ पे है 2.2 और इसका माइनस 2.2, रेडियस 1, इसका भी रेडियस 1। ठीक है, और रेसिडुअल डिस्क का सेंटर ऑफ मास बताना है। तो हम लोग क्या यूज करते थे, कॉन्सेप्ट याद कीजिए सेंटर ऑफ मास का, हाँ, एक सेंटर ऑफ मास इज समेशन एक्स आई ए आई अपॉन समेशन ए आई। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वाई एक्सिस के अबाउट जैसे लेफ्ट साइड होगा वैसे ही राइट साइड होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वाई एक्सिस अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। तो एस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए वन वाई वन माइनस ए टू वाई टू माइनस ए थ्री वाई थ्री माइनस ए फोर वाई फोर अपॉन ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री माइनस ए फोर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब y1, y2, y3, y4 क्या है, तो y1 बिगर के लिए, बिगर का y1 क्या है 0, y कोऑर्डिनेट, बिगर का y कोऑर्डिनेट क्या है 0। ठीक है, चलो इसको मान लो थोड़ा देर के लिए 2, इसको 3,
इसको 4 और बिगर जो है वो 1. तो बिगर का तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया खत्म. इसके बाद 2 यहां पे, इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 ही है. फिर 3 का y कोऑर्डिनेट है 2, मास 2, 2, तो y कोऑर्डिनेट 2. और इसका एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर, r इज 1. तो a3 हो गया पाई इनटू 1 स्क्वायर, और y3 कितना मिला? 2. फिर माइनस, जब 4 कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एरिया क्या होगा? पाई इनटू 1 स्क्वायर. और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 2. और नीचे में a1 मास, a2 मास, a3 मास, a4. a1 bigger circle का एरिया पाई इनटू 4 स्क्वायर. इसके बाद a2, a3, a4 तीनों सर्कल का तो रेडियस बराबर ही होगा, तो मास 3 इनटू पाई इनटू 1 स्क्वायर लिख दिए, तीनों का सम कर दिए डायरेक्ट. पाई कॉमन निकालो, ऊपर नीचे से कैंसिल, ऊपर में क्या बचा? मास 2, मास 2, मास 4, और नीचे कितना मिला? 16 मास 3, तो 16 मास 3 13, और ऊपर कितना था? मास 4 अपॉन 13. तो इसलिए जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0, मास 4 अपॉन 13. और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा क्या होगा? मास 4 अपॉन 13 आई होगा. ठीक हो गया. तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ था नहीं, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन अगर जेई एडवांस में दे दिया जाए तो जो बच्चा अच्छा से पढ़ा है फिर इसमें तो बनाए गए, बाकी लोग माथा पटकी गए.